देखिए शायद भाई, सबसे पहले तो मैं केस की अपडेट के ऊपर बात करूंगी और मुझे कोई एक एतराज नहीं है। मुझे काफी सारी बातों पे आप कह रहे हैं एतराज तो नहीं, गम और गुस्सा जरूर है और के होना भी चाहिए, और मैं इस चीज का हक भी रखती हूँ कि मैं इजहार करूँ, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल पब्लिकली हो रही हैं, तो हम भी फिर अपने गम और गुस्से का इजहार पब्लिकली करेंगे, राइट। तो ये सीमा हैदर लास्ट ईयर ये केस सामने आया, आई बिलीव जुलाई के अंदर, मैंने तो खैर सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन किया था आपकी रिक्वेस्ट पे। उसके बाद हम इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ये चीज सामने आई थी कि सीमा हैदर की जो नेशनैलिटी है वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में काउंसलर एक्सेस मांगा गया, फिर वो नहीं मिला और सारी चीजें मामला हुई। आप वाकिफ हैं, फॉरेन ऑफिस का मौकफ भी आपके सामने है। अप्रैल 2024 के अंदर मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, आपको पता होगा, नेशनल कमीशन ऑन दी राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ठीक है, उसके ऊपर कॉग्निजेंस हुआ और उन्होंने ली और सारी चीजें, वहां पे एविडेंस वगैरह मैंने सबमिट करा है, वो मैटर गया फॉरेन सेक्रेटरी के पास, वहां से फॉरेन ऑफिस आर्क डिवीजन में, वहां से मार्क होते हुए गया पाकिस्तान का जो मिशन इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने सारी चीजें कंफर्म करके लेटर भेज दिए कि भाई हमारे नेशनल्स हैं, ये है वो। इससे पहले इन दोनों ममालिक की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें एजेंडा सेट होता है, ऑलरेडी पॉइंटर्स डिस्कस होते हैं और फिर तो उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं, तो वो जब एजेंडे में वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और जो नेशनैलिटी का एक डिस्प्यूटेड फैक्टर था, एलिमेंट था, वो भी खत्म हो गया है और चीजें आगे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और हमें अच्छे की उम्मीद है ये किसी भी टाइम पे कंक्लूज हो सकता है। मेन केस का क्या स्टेटस है आपको पता है कि पेमा पिशाई केस है और वो बेल ऑर्डर्स आपने पढ़े हुए हैं, जज का माइंड आपको पता है, यूपी पुलिस का माइंड आपको पता है। अभी कुछ दिन पहले मोमिन साहब ने पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट लाइव में आके पढ़ी है, तो आपको पता है कि क्या आगे होने जा रहा है या क्या इसका मुमकिन हल हो सकता है। ये हुकूमती मामलाते यकीनन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, स्पेशली उस कंडीशन में जब आपके सिफारती ताल्लुकात इतने अच्छे ना हों। बावजूद इसके इस मैटर पे दोनों अतराफ से कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये खुशाइन बात है और किसी टाइम भी ये कंक्लूड हो सकता है। और ये बात मैंने आपके साथ तो अभी शेयर नहीं किया, आपको तो बहुत पहले का पता है, लाइक अगस्त स्टार्ट का या जुलाई एंड का के शाहिद भाई ऐसा होने वाला है। इसके अलावा जुलाई के अंदर फादर के बिहाफ पे वहां पे जो एनसीआरसी है, एनसीपीसीआर का नाम है वहां पे, लेकिन दोनों का डोमेन सेम है, दोनों की पावर सेम है और दोनों का मैंडेट भी सेम है। शायद भाई आवाज आ रही है, उन्होंने मैटर रिफर किया अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको अपना एक इंटरनल बॉडी का भी मैसेज है कि पाकिस्तानी बच्चे हैं, कुछ किया जाए, और यहाँ से पाकिस्तान में भी भेज दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग मिनिस्ट्री को, जब दोनों अतराफ से चीजें गई और वो मिनिस्ट्री उसके ऊपर खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो जवाब भी देंगे और हम उस चीज का वेट भी कर रहे हैं। तो चीजें डिप्लोमेटिक टेबल्स पर हैं और हम लोग वेट एंड वॉच वाले मोड में हैं। बहुत सेंसिटिव स्टेज है इस केस की, ठीक है, ये तो हो गई हुकूमत लेवल की बात। अब आ जाए उससे पहले, जनवरी के अंदर मैंने ही गुलाम हैदर के बिहाफ पे अंसार बनी साहब को एक लेटर लिखा था मैंने, और आप लेकर गए थे और मेरी उनसे पर्सनल बात हुई और वो केस फिर रोशन अजीम साहब, हालांकि उनके उस दिन जिस दिन ये केस फाइल उन्होंने बर्नी साहब को दी थी, उनके मुझे याद है सक्खर या किसी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में उनके केसेस थे, वो छोड़ के वो कराची पहुंचे थे और हमने ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि हमें इंडिया में एक वकील की जरूरत थी ताकि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता वहां पे फादर की रिप्रेजेंटेशन शो कर दी जाए, रेजिस्टेंस शो कर दी जाए, वरना हम स्टैट्यूटरी पीरियड 1 साल का होता है, अगर वो क्रॉस कर गए तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी, फिर वहां की अदालतों में भी सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो फिर हमने मोमिन मलिक एडवोकेट साहब की खिदमत हासिल की, उन्होंने केस को लिया, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया जो भी उनका था, और जो भी जाब्ते की कार्रवाई थी थ्रू हाई कमीशन हम उनके पास गए और उन्होंने मैरिज भी चैलेंज कर दी, उन्होंने डिफेमेशन के केसेस भी डाल दिए, वो सारी चीजें होगी। तो जब भी मसला सब्जेडाइज होता है तो हुकूमतें भी बात नहीं करती हैं, ठीक है। तो हम लोग तो फिर आम सिटीजन्स हैं, हमें भी गैर जरूरी चीजों पे बात करने से अवॉइड किया जाए। गुलाम हैदर का मसला तब तक था जब तक उनका मसला सब्जेडाइज नहीं हुआ था या जब तक हुकूमत की तरफ से ऑनरशिप नहीं थी। अब ये है कि उनका मसला भी सब्जेडाइज है, उनका हुकूमत ने भी ऑनरशिप ले ली है, तो दोनों अतराफ से कोशिशें जारी हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर की किसी ने कोई मदद नहीं की है या कोई पाकिस्तानी आगे नहीं आया या पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये किसने किया है? मोमिन मलिक को किसने खड़ा किया? क्या अंसार बनी जो है वो इंडियन है, इंडियन नेशनल है? नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ने उनकी हेल्प की और वो सारा चीजें हुई। उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि कुछ दिनों से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है। कल जो एक लाइव हुई आप ही के चैनल पे हुई, मैं पब्लिकली कहती हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आया, जिसका मैंने आपको कहा भी। एक इस बात पे कि हमारा काउंसिल को बिठाया गया, वो खुद अपनी मर्जी से आए या मोमिन मलिक को किसी ने बुलाया, आपने बुलाया या हैदर ने बुलाया या जो मैडम थी उन्होंने बुलाया, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। हमारा काउंसिल वहां पे मौजूद था, मुझे इस चीज पे एतराज है। हमने उनको ये सारे मामलात के लिए हायर नहीं किया, हायर क्या उनकी खिदमत इसलिए हासिल नहीं की कि वो यूट्यूब के फड्डे बैठ के सॉल्व करें, यूट्यूब की लड़ाइयां बैठ के वो सॉल्व करें। इस मकसद के लिए हम उनको नहीं लेकर आए। हमारा मकसद उनको यहाँ पे लाने का ये था कि हमारे बच्चे वहाँ पे स्टैंडर्ड हैं, फंसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको बाहिफाजत वहां से निकाला जाए और उनको पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए। उसके लिए जो भी लीगल एफर्ट्स हैं वो लगाएं, जिसके लिए उन्होंने एग्री किया, एक बार नहीं काफी दफा एग्री किया, और जिसका उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया और वो अपने वादे को वो निभा भी रहे। तो हमें तसल्ली है और हमें उनकी क्या कहते हैं ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, उनकी जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो यूट्यूब का चल रहा है उसके ऊपर हमें गम और गुस्सा है। और हम बहुत जल्द आज या कल उनको रिटर्न में ये चीज लिख के देंगे कि आइंदा के बाद सर आप अपनी जाती हैसियत में यूट्यूब पे आ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये केस हमारा है, अगर केस को लेके यूट्यूबर्स का कोई भी आपस में फड्डा है या कोई भी लड़ाई है या किसी यूट्यूब पे आने वाले किसी भी पैनलिस्ट को किसी से भी कोई एतराज है, लाइक अभी हमारे साथ मंजू गोस्वामी साहबा मौजूद है, अगर उनको शायद हुसैन आपकी बात रुकी एक रहा, तो वो मोमिन मलिक को बिठा के लड़ाई सॉल्व नहीं करवाएंगे। शायद भाई मैंने रिकनेक्ट किया, अगर मंजू साहिबा को शायद भाई की किसी अगर मंजू साहिबा को शायद भाई की किसी भी बात पे एतराज है तो वो आपस में साउट आउट करें। ऐसा नहीं होगा कि मोमिन मलिक आके बैठेगा, एक्सप्लेनेशन देगा, शिकवा जवाब शिकवा होगा। और हम इस चीज पे उनके सामने, वो जो कल यहाँ पर बैठे हैं, मैं इस बात का उनके साथ भी एहतजाज भी करूंगी और हम उनको रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि सर आइंदा के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो लड़ाई है वो आपस में सॉल्व करें। आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे बच्चे हमें वापस दिलवाएंगे और इसी तक आप लिमिटेड रहें, और अगर आपको अपनी जाती है सिंधु के वो आजाद है ना, वो इंडियन नेशनल है, वो किसी से कोई भी बात करें, बैक स्टेज वो कुछ भी करें, लेकिन जब वो पब्लिकली आ रहे हैं इस वक्त इस स्टेज में, वो हमारे केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी तक वो रहेंगे, तो इससे हमारे दिल को भी तसल्ली होगी, नहीं तो हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ अपोजिशन के जो लॉयर साहब हैं वो हमारी हुकूमत को हमारे खिलाफ लेटर्स भी लिख रहे हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग फेस कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो काउंसिल है वो आइंदा के बाद इस तरह की किसी एक्टिविटी में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम रिटर्न में
लेटर लिखेंगे उनको और इस बात का एहतजाज भी करेंगे कि सर आप हमारे काउंसिल हैं, जब आप पब्लिक पे आ रहे हैं, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हमारे केस को जिस टाइम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस टाइम ये कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं चलेंगी कि ये इससे माफी मांगे वो उससे माफी मांगे, नंबर वन। दूसरा, जो कल गुलाम हैदर ने हाथ जोड़े मुझे बड़ा बुरा लगा और लगना भी चाहिए क्योंकि हमने इस केस पे ग्राउंड लेवल पे काम किया है, पाकिस्तान से लेके इंडिया तक गए, नेपाल गए, सारी चीजों को हमने फेस किया है, सारे इदारों को हमने फेस किया है, ठीक है, और कुछ इदारों के नाम तो हम यहाँ पे ले भी नहीं सकते, हमने उनको भी फेस किया, सब सारी चीजें हो गई और मामला एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं ना, वो देखिए इस मैच्योर एज में अच्छी नहीं लगती है। आप पहले आपकी जबान में कह लूँ कि शोभा नहीं देती है कि उसने अकेले, अब वो एक बेचारा बाप है, जाहिर है आप उसका समझ लें कि बहुत उनको इंतजार है, 1.5 साल हुआ है, हम भी सर तोड़ कोशिशें कर रहे किसी तरीके से उनकी फोन पे बात हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, वहां हमारा काउंसिल लगा है। अगर उसने रब्ते जज्बात में कुछ कह दिया है तो जो जैसे कल कह रहे थे ना कि शायद भाई ने अच्छा मैसेज दिया कि दर गुजर करना चाहिए, भाई आप इग्नोर करें, अगर आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं तो अगले के भी हैं, अगला भी बुरा मान सकता है, वो तो ऑलरेडी दुखी है, वो तो ऑलरेडी अफसोस मतलब दुख वाली कंडीशन है, आप नहीं अंदाजा लगा सकते उनकी क्या हालत है। मेरी तो 2 दफा मुलाकात हुई है, मैं देखिए मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई है, शायद उनको ये भी ना पता हो कि उनके केस के लिए मैंने इस्लामाबाद को भी ट्रेवल किया है, उनको ये नहीं पता होगा और उनको मेरा नाम भी नहीं पता, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम 16 महीनों से 15 महीनों से बात करें, नाम नहीं याद, उस बेचारे को नहीं रहते हैं नाम याद। हाँ, वो तो बिल्कुल है, एब्सोल्युटली राइट। देखिए वो एक मजबूर बाप को हाथ जुड़वाए गए मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने शायद भाई को बैक स्टेज भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि शायद भाई कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आप क्या मतलब आपका मकसद था कि गुलाम हैदर अलाइव आके मांगे और आप अपने आप को बड़ा दिखाएं, तो वो चीज जो एक चीज लोग नहीं देखी। शायद भाई आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ।